जैसे अभी जो रिजल्ट आया तो 12 से उसका पेट स्टार्ट है, तो क्या सरकार के द्वारा जो इतना कम समय दिया गया उसके लिए उचित है? नहीं, इसमें सरकार की क्या गलतियां हैं, वो तो स्टूडेंट भी चाहते हैं कि जितना जल्दी सारा प्रोसेस पूरा कर ली जाए। लेट होता है तब भी आप ये बात बोलते हैं, और जब समय पर चलती है तब भी ये बात बोलते हैं। तो जिनका रिजल्ट होना था, बच्चे पहले से आशान्वित थे और लगातार लगे हुए थे, इसलिए यहाँ पर बच्चों का बिल्कुल भी मांग जायज नहीं है कि इतना कम समय क्यों दिए हैं। तो और बोर्ड बहुत जगह पर बोर्ड अपने हिसाब से चलती है, और वहाँ पर आप कंपेल भी नहीं इसको लेके कर सकते हैं। तो हम लोग ग्राउंड में भी रिपोर्टिंग किया, तो रिपोर्टिंग में पता चला है जैसे वहाँ पे 55 से ऊपर यानी मैक्सिमम 55 से नीचे वाले कभी भी फिजिकल में नहीं आते थे। अभी देखिए तो 40 पे भी रिजल्ट आ गया सर, बिल्कुल आया है 40 पे रिजल्ट आ गया है। वही बात तो है कि जो बच्चे हम क्या बोले कि जो बच्चे कन्फ्यूजन में है, कन्फ्यूजन में थे, अब परेशानी उनके साथ फिजिकल को लेकर होनी है। इसीलिए हम बोले कि कोई फिजिकल ट्रेनर, हम पर्टिकुलर नाम नहीं लेंगे क्योंकि अभी हर फील्ड में चले जाइएगा तो अच्छे अच्छे फिजिकल ट्रेनर उपलब्ध हैं, तो किसी फिजिकल ट्रेनर के देख रेख में ही आप अपना ये प्रैक्टिस करें तो बेहतर होगा। इससे आप इंजुरी से बच पाएंगे, वो आपको सजेस्ट करेंगे कि कम समय में, चूँकि बहुत ज़्यादा फिजिकल टफ है ये बातें नहीं है, एक ऐसा रेंज इसमें दिया हुआ है कि अगर 10 दिन 15 दिन बच्चे मेहनत करेंगे तो वो मेंटेन कर सकते हैं। और ग्रुप डी में तो वैसे भी कद काठी के मजबूत बच्चे पहुंचते हैं, इसलिए भी मेरे ख्याल से दिक्कत बहुत ज्यादा नहीं इसमें होना है। फिजिकल के लिए उसके लिए आसान है, जो मीडियम क्लास के है, जो हाईएल मतलब जो ज्यादा फैटी है उनके लिए डिफिकल्ट है सर। ये तो इसका कोई मतलब नहीं है कि अब जो बहुत फैटी है तो वो तैयारी ही ना करें, ये तो उनका सोचने वाली बात है कि अपना फैट हम कम क्यों कैसे करें, तो इसका कोई मायने नहीं है। एक और चीज सर, जैसे जो रिजल्ट अभी आया है तो जैसे 60 लाख के अबाउट बच्चा फॉर्म डाला, 3 लाख बच्चा का एक तरह सिलेक्शन होगा, तो बाकी बच्चा कुछ ऐसा सोच, जैसे 3 लाख बच्चा के अलावा सोच रहा है कि कहीं एग्जाम में कुछ ऐसा रिजल्ट में खासकर कुछ ऐसा कुछ खेला टाइप का कुछ नहीं ना हुआ है? नहीं, रिजल्ट में खेला क्यों होगा, ये तो एकदम पारदर्शी है, और 27 तारीख को सबका मार्क्स भी जारी कर दिया जाएगा, यहाँ कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई इशू नहीं है। कोई रिजल्ट से आप मतलब रिजल्ट से पूर्णतया संतुष्ट हैं? क्योंकि आप अगर आप और खुश है तो ये तो श्योर है, ये तरह से सर्वविदित है कि रेलवे का और जो भी जनरल कंपटीशन के एग्जाम के मामले में सबसे इंडिया में सुपीरियर है। अगर आप रिजल्ट से सेटिस्फाइड है, इसका मतलब 100% रिजल्ट से हम सेटिस्फाइड हैं। और हाँ, कुछ बातें ऐसी है, अब इसके इस संदर्भ से थोड़ा परे हटते हैं, तो अब देखे होंगे कि ट्विटर कैंपेन 3-4 दिन पहले हुआ था, तो वहाँ एग्जाम कैलेंडर को लेकर के मुद्दे थे रेलवे से ही रिलेटेड, उसके अलावा 4 साल से ऊपर होने को चला है, अभी रेलवे की नई वैकेंसी नहीं आई है, उससे रिलेटेड मुद्दे थे। इसके अलावा कोरोना के कारण जो बच्चों का टाइम लैप्स हुआ है 3 साल, जो 4 साल का जो बहुत बच्चों का एज समाप्त हुआ है, तो एज को लेकर के मुद्दे थे कि 3 साल एज नई वैकेंसी में बढ़ाई जाए, वो अलग मैटर है, उस पर आगे भी लड़ाई जारी रहेगी और बच्चों का भी लड़ाई वहाँ पर जारी रहेगी, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो ग्रुप डी के संदर्भ में है, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन वाली बात अभी तक नहीं है। रिजल्ट से खुश है सर। एक और जी, जो क्योंकि आपके द्वारा बहुत बार इस इशूज को उठाया गया है, वेटिंग लिस्ट है, क्या वेटिंग लिस्ट का अभी भी कुछ सलूशन निकला है? ग्रुप डी में ये ग्रुप डी में ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसका हम शुरू से जिस समय यह बातें स्पष्ट हुई कि इसमें वेटिंग को समाप्त कर दिया गया है, उसी समय से इस मुद्दे को हम गंभीरतापूर्वक लेते रहे हैं, क्योंकि हमारा जो अपना अनुभव है पिछले 15 साल 20 साल का, तो उसमें हम लगातार देख रहे हैं कि 30 से 40% ग्रुप डी पोस्ट में बच्चे 6 महीने से साल भर के अंदर छोड़ते ही छोड़ते हैं। तो वैसी परिस्थिति में जो ये 30 से 40 हजार सीट अभी वैकेंट होगा, आखिर इन्हीं बच्चों का उस वैकेंसी पर अधिकार था, कहीं ना कहीं 30 से 40 परिवार रोशन उससे होता, तो वो जो अगली वैकेंसी में ऐड कर दी जाएगी, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार का ये पॉलिसी बच्चों के लिए समझिए कि बहुत ही दर्द देने वाली है, बहुत ही गंभीरता पूर्वक लेने वाली ये बातें हैं, तो इस पर मंथन करने की बातें हमने हमेशा कही है। चलो ठीक है सर, बहुत सर, बहुत छोटा सर, एक और छोटा बोल सर, जैसे बच्चा तो 3 लाख ही स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ है, तो बाकी बच्चे तो पक्का डिप्लोमा नहीं, अभी तो इसके बारे में हम चर्चा कर दिए हैं कि नहीं बिल्कुल अभी तो हम चर्चा कर दिए हैं कि जो बच्चे डिजर्व कर रहे हैं, रिजल्ट तो उतना का ही होना था, ये बात तो तय थी,
और बाकी बच्चे तो लगातार मेहनत किए हैं, अपने हिसाब से प्रयास किए हैं, उनका रिजल्ट नहीं हुआ है तो ये यहीं पर सारा कुछ समाप्त हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हमेशा से होता आया है। इसलिए अपनी जो भी कमियां रह गई है, जिस कारण से भी इस वैकेंसी में आपका रिजल्ट नहीं हो पाया है, तो उस कमियों को पहचानना है और नेक्स्ट वैकेंसी में उसको दूर करके, उस कमियों को दूर करके आगे हमारा रिजल्ट कैसे पक्का हो, इसके लिए प्रयास करना है। सर कुछ चीज के आगामी कोई वैकेंसी का कुछ बोल दीजिए ताकि जो बच्चा का सिलेक्शन हो उसका प्रिपरेशन एएलबी आगामी वैकेंसी के लिए ही तो इतना जद्दोजहद हो रहा है, लगातार ट्विटर कैंपेन भी हुआ कि कितनी जल्दी रेलवे वैकेंसी दे दे, लेकिन अभी जो रेलवे का ये प्रोसेस चल रहा है इस हिसाब से देखा जाए तो बिना जुलाई अगस्त से पहले वैकेंसी की संभावना दिख नहीं रही है। इसीलिए तो सारे छात्र ट्विटर कैंपेन किए थे कि अगर ट्विटर कैंपेन के माध्यम से हम संबंधित अधिकारी तक अपनी बातों को पहुंचा पाए तो मे बी की पहले वैकेंसी दे दे। इसलिए अपना तैयारी करते रहना है, जब वैकेंसी आएगी तो फिर उस हिसाब से देखा जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।